हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी आर्ट कला और मैं हूँ खुशी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यूजफुल और बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट हम पुरानी फटी हुई पेंट में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस तरह से अच्छे से पेंट को हम सेट करके रखेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से पेंट को सेट कर देना है। उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं राउंड शेप बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेट ले रही हूँ राउंड शेप बनाने के लिए। आप कोई भी साइज का राउंड शेप बना सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा भी आप बना सकते हैं, इससे छोटा बनाना है तो आप छोटा भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राउंड शेप बना रही हूँ इस तरह से प्लेट की मदद से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर राउंड शेप बना दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने राउंड शेप कट कर दिया है। अब इसी तरह से हमें पूरी जींस में से राउंड शेप कट कर लेने हैं। दोस्तों, इस तरह से मैंने सारे राउंड कट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर 20 राउंड कट किए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा राउंड कट कर सकते हैं, आपको जितना छोटा बड़ा करना है उस हिसाब से। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर कट कर लिया है, उसका नाप है 4x4 इंचेस। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से कट किया है कि जिनके जो कॉर्नर है वो सारे इस तरह से जॉइंट थे, इस तरह से सारे कॉर्नर जॉइंट है। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से दोनों साइड। अब क्या करना है हमें, इस तरह से निशान लगाने के बाद, ये देखिए मैंने सारे में इस तरह से निशान लगा दिए हैं ताकि जब भी हम सिलाई करें तो हमें पता चले कि हमें कहाँ पर सिलाई करनी है। तो अब हमें इस तरह से इसे जॉइंट करना है और यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मैं अभी सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने इसे सिलाई करके जॉइंट कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे को भी जॉइंट करना है। जॉइंट करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसके जो जॉइंट होते हैं सीधी साइड है वो ऊपर की तरह आनी चाहिए और जो उल्टी साइड है उसी साइड हमें सिलाई रखनी है बाहर की साइड। तो इस तरह से हमें सारे राउंड्स को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 5 राउंड को जॉइंट कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे भी 5 राउंड कट जॉइंट कर लेने हैं। तो ये मैंने सारे राउंड्स को जॉइंट कर लिया है। अब हमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है, मुंह को आमने सामने रखते हुए इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें पकड़ना है और यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम इसे जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे राउंड्स के जो हमने लाइंस बना ली है वो हमें इसी तरह से जॉइंट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर सारे जो लाइंस थे वो हमने जॉइंट कर लिए हैं इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है कि हमने जो स्क्वायर कट किया था 4x4 इंचेस का, उसमें हम दोनों साइड से 1/2 इंचेस कट कर देंगे और हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे।
अब इस तरह से कट करने के बाद उसी के नाप के हमें इस तरह से टुकड़े कट कर लेने हैं कॉन्ट्रास्ट कलर के। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर येलो कलर लिया है, इसमें काफी मिक्स एंड मैच हो रहा है। इसलिए हमने जो राउंड शेप कट किए थे उसे हमें किस तरह से यहाँ पर अटैच करना है, तो जो हमने टुकड़ा है वो इसके अंदर इस तरह से रखना है अच्छे से सेट करके। उसके बाद हमने जो जॉइंट किए थे वो सारे जॉइंट को हम इस तरह से रखेंगे और हम ऊपर सिलाई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप प्रेस से पहले सेट कर सकते हैं तो आसान रहेगा सिलाई करने में, उसके बाद आप सिलाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं प्रेस करना तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो हमें इसी तरह से सारे जो हमारे टुकड़े हैं हमने जो कट किए हैं वो हमें इस तरह से रखकर जॉइंट कर लेने हैं, यहाँ पर अटैच कर लेने हैं। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। फ्रेंड्स ये हमारा खूबसूरत सा DIY बनकर रेडी हो गया है। आप इसे बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, ये काफी खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं बैक में भी हमने जॉइंट नहीं लिया था तो बैक में भी सारा प्लेन है तो खूबसूरत लग रहा है, और आगे से तो ये काफी खूबसूरत लग रही है। इसकी डिजाइन जो है कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। तो आप इसे चेयर पर भी रख सकते हैं इस तरह से, अगर आपकी चेयर प्लेन है तो उसके ऊपर इस तरह से बिछा सकते हैं तो आपकी जो चेयर है उसका आखा जो लुक है वो एकदम से अच्छे से आएगा और एकदम चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप स्पंज का कोई भी कुशन है उसका जो कवर है वो अच्छा नहीं है तो आप उसके ऊपर भी इस तरह से बिछा सकते हैं तो जो स्टूल है उसका भी लुक अच्छा आएगा और कुशन भी नहीं दिखेगा। दोस्तों आप चाहे तो इसे रूममेट डोरमेट किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, आप इसे कैसे भी यूज करें ये काफी खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों है ना ये बहुत ही यूजफुल DIY। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना और वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह के नए नए वीडियो के साथ।